हार्मोनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यही मेन फॉर्मूला हमारा 2n का स्क्वायर, ठीक है। इसी पे हमको क्या करना है, पुट करना है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा आता है, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, दूसरे की बात करेंगे। तो अगर हम दूसरा देखते हैं, सेकेंड अगर हम देखें, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आता है, उसे हम नहीं लेने देना। फिर हमको बस नंबर ऑफ सेल याद करनी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जितनी भी होगी, जितना एलिमेंट बचेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिल करते चले जाते हैं। फिर हम सेकंड की अगर बात करें कि सेकंड क्या होता है, और सेकंड में अगर हम पुट करें तो इसमें बताता है द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल, द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल in an atom cannot have more than 8 electron. Even it has capacity to take up more electron according to first rule. इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि हम जो आउटर मोस्ट सेल में हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो रखेंगे वो 8 रखेंगे। 8 के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट सेल में रखेंगे, ठीक है। अब आता है कि आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, अब इस चीज को हम देख लेते हैं, आउटर मोस्ट सेल होती क्या है, ठीक। इसको हम ड्रॉप करते हैं, पहले आउटर मोस्ट सेल समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। पहले हम आते हैं, समझते हैं कि आउटर मोस्ट सेल क्या होती है। आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो बाहरी सेल को कहते हैं, द सेल विच इज आउटर वो सेल जो आउटर होती है। जैसे हम बात कर लें, कोई भी एलिमेंट ले रहे, चलिए हम लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, ठीक। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो 2 और 5 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो अभी हम पढ़े हैं, हो गया। अब अगर हम देखें इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं ये हो गया न्यूक्लियस नाइट्रोजन का 1 और ये 2। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये 2 हो गई, और फिर इसमें कितनी पुट करेंगे, 5, 1 2 3 4 5 होगी। तो ये जो बाहरी सेल है ना, ये जो आउटर बाहरी है, इसी को हम कहते हैं आउटर सेल। और आउटर सेल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे हम फिल नहीं करेंगे, उसी चीज को इसमें क्या किया गया है, बताया गया सेकंड वाले में, ठीक है। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट सेल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन रखा है, 2। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, सेकेंड सेल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन रखा, 8। थर्ड सेल की अगर हम बात करें, थर्ड सेल में हमने कितना रखा है, 18। फिर फोर्थ सेल की अगर हम बात करें तो 32। अब ये दिख रहा है 8 तो समझ में आया, फिर 18 फिर 32। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें सबसे मोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जो हमारी नेक्स्ट सेल बनती है हम उसमें जंप कर जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, सोडियम का ले लेते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जांपल सोडियम का है, क्योंकि सोडियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो जैसे कि ये हो गया 11 एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं तो पहले में हम 2 फिल कर सकते हैं, अगर हम 11 में से 2 माइनस किए तो 9 बचा, और दूसरे में कितना फिल कर सकते हैं, 8। यहाँ 8 फिल करनी है, ठीक है, 8 और 10, उसके बाद क्या बचा, 1। हमने क्या किया, ये 1 जो है वहां पे क्या किया, फिल कर दिया। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
लेकिन अगर वहीं पे हम क्या करें, चलिए हम कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 20 और मास होता है 40। तो हम कैल्शियम को अगर पुट कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कैल्शियम लेते हैं, क्योंकि तब हमको पता चलेगा कि थर्ड सेल में कितना रख सकते हैं। पहली सेल में 2 रखेंगे, फिर दूसरी सेल में कितना रखेंगे, 8 × 10 हुआ। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 है, 18 × 10 = 28 हो गया, लेकिन 18 दिया हुआ है, 18 पुट करते हैं, लेकिन इस चीज को हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 होगा, यानी नेक्स्ट सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज्यादा। अब जैसे यहाँ हम सिर्फ 8 पुट करेंगे, 8 × 16 = 18। अब आप यहाँ 18 नहीं पुट कर सकते, इसको लेकर देखिए 18 हो जा रहा है, 8 × 16 = 18 हो गया 18 यहाँ पे, बात समझ में आई। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूद के नेक्स्ट सेल में आएगा। उसी चीज को यहाँ पे बताया है कि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट सेल में वो 8 भरेंगे, और अगर फिर बच गया है कुछ नंबर या कुछ इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम अगली सेल में क्या करेंगे, जंप करेंगे, और वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे, जैसा कि आपके सामने ये दिखाया हुआ। तो हम इसको एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 8 8 और ये 2, ठीक है। उसी चीज के बारे में क्या किया था, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपकी बातें होंगी वो खत्म, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी, एक आप समझ लेते हैं बस, क्योंकि अगर हमको ये नहीं समझ में आएगा तो अपर क्लास में और इसी क्लास में क्या करेंगे, हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम थर्ड पॉइंट कहते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए गिवन शेल टू कंप्लीट इट सेल्फ बिफोर इट्स बिफोर अनदर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग एज ए रूल न्यू सेल इज फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल द आउटर मोस्ट सेल एक्वायर एक इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को इसमें फिर समझाया जो अभी हम लोग इससे पहले समझ रहे थे कि अगर हमारी सेल जो है वो पूरी तरीके से फुल होगी लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ जाएगा, फौरन एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो नई सेल में क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिल हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसमें जो बताया गया तो वही बताया गया था कि इवन इट हैज अ कैपेसिटी टू टेक अप मोर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। इसमें बताया गया अगर उसके पास कोई कैपेसिटी है कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की तो वो और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट सेल उसकी फिल हो जाएगी फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट सेल में क्या करेगी, आ जाएगी। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, सामने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो अगर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो 2 8 8 लिख रहे हैं। अगर हम सेल की बात करें तो पहली सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे अगर एक एग्जांपल ले ले हम लिथियम का, ठीक है, ठीक लिथियम का ले रहे हैं, तो लिथियम तो 3 हो जाएगा। अब अगर हम पहली सेल में 2 ही होता है, पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को हमको नेक्स्ट सेल में रखना होगा, ना कि छोड़ना होगा। उसी चीज को फिर ये क्या किया है, नेक्स्ट हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। जैसे कि अगर हम लिख लें सेल KLMN, सो हाँ लिख सकते हैं इससे ज्यादा, तो हम किसी का भी ले सकते हैं,
जैसे कि अगर हम सोडियम का ले रहे हैं, सोडियम का ले ले, चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 मास 24 होता है, ठीक। अब मैग्नीशियम का अगर हम फिल कर रहे हैं तो पहली वाली सेल में कितना होता है, अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करें तो 2n का स्क्वायर यानी 2n × 1 का स्क्वायर यानी 2, पहले में तो 2 पुट हो गया। फिर सेकंड सेल में अगर हम पुट करें 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4 × 8 यानी 1 इलेक्ट्रॉन 8 पुट हो गया, ठीक। अब हम देख रहे हैं 8 × 10 कितना बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है और इसके पास कैपेसिटी अभी भी, और अभी हमको नेक्स्ट सेल में क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन पुट कर देना होगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हो चुका है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा पुट करके इसमें एम सेल में आ जाएगा। तो 8 × 10 = 12, तो इसी चीज को क्या किया गया है आपकी, ये जो हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिटल, तो ये 3 पॉइंट आपको समझाया गया है। इस 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपर क्लास में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर किसी चीज को नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।